थे वहां पे, साइकिल जा पाएगा क्या उधर? चला जाएगा ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सो के हम कब के उठ गए हैं और अभी फिलहाल 7 बज रहा है और मम्मी फिलहाल पूजा कर रही है। इधर देखिए, पूजा कंप्लीट हो गया क्या माँ? चलिए हमको प्रसाद दे दीजिए। चलिए जल और आज घूमने के लिए जाएंगे कुछ गांव तरफ और कुछ न्यू खोजेंगे, मतलब साइकिल से निकलेंगे जहाँ तक ले हम जा सकते हैं, लगभग मतलब चला सकते हैं साइकिल, वहाँ तक ले आज जाकर देखेंगे कुछ न्यू मिल जाए। पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर इसके बाद निकलेंगे। नाश्ता में भी सब्जी रोटी और दूध। फाइनली नाश्ता तो हो गया, तो गाइस अब निकलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं और ये हो गया कुराबा वाला रास्ता और ये हो गया पथरगामा जिधर से हम आए हैं और इधर सीधे जाएगा गुड्डा। फिलहाल चलते हैं हम कुराबा वाले रास्ते के। फाइनली हम कुराबा वाले रास्ता में तो आ गए हैं और अभी फिलहाल चल रहे हैं सीधे, देखते हैं। और सामने आप लोग को दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सा पहाड़, जो कि ये पहाड़ है जुगनी स्थान का पीछे वाला पार्ट। आगे वाला तो हम लोग आपको दिखाते हैं, जैसे जुगनी स्थान जाते हैं वो अलग हो गया और ये पीछे से जो ये दिख रहा है पहाड़ उधर ही है। देखिए यहाँ से पहाड़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पूरा पहाड़ भी दिख रहा है, ये जुगनी स्थान के पीछे वाला पहाड़ है। और फिलहाल हम अपना साइकिल को यहाँ पर लगाए हैं और वहाँ जाने के लिए रास्ता खोज रहे हैं, बट यहाँ से तो पानी दिख रहा है, इधर उधर भी पूरे पानी दिख रहा है। तो खोजते हैं, देखते हैं रास्ता वहाँ पर पहाड़ पर जाने के लिए। साइकिल को भी ले ही लेते हैं, यहाँ पर क्यों लगाएंगे। यहाँ पे हमको छोटा सा एक रास्ता दिखा है तो इधर से ही चलते हैं। ये भी रास्ता तो खराब ही है, चलो धीरे धीरे। चलिए हम तो उतर गए हैं यहाँ से, अब आगे चलते हैं। अरे यहाँ पे तो पानी है और पुल भी गिराया गया है, पोल। पानी तो काफ़ी कम है, फिलहाल साइकिल को हम यहीं पे लगा लेते हैं और ट्राउज़र को ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो ये भींग जाएगा। पानी कितना क्लीन है, ओ तेरी। पानी इधर से आ रहा है, पता नहीं कहीं से आ रहा होगा और उधर निकल जा रहा है। बस चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगा हमको। तो फाइनली हमने साइकिल को तो चढ़ा दिया उठा करके, यही फ़ायदा होता है साइकिल को, कहीं भी ले जा सकते हैं आप आराम से उठा लीजिएगा। बाइक रहता तो नहीं हो पाता, हमको वहीं पर तो बाइक लगाना पड़ता और जाना पड़ता। देखिए कितना ज़्यादा ऊँचा था। तो अब चलते हैं इस पहाड़ की ओर और इधर फिलहाल देखिए बकरी सब चल रही है। यहाँ से तो काफ़ी करीब लग रहा है पहाड़, पहाड़ पे तो साइकिल नहीं चढ़ पाएगा लेकिन कहीं हमको साइड में लगाना होगा। तो देखते हैं, लोग सब उधर से जा रहे हैं तो फिलहाल ये रास्ता को सीधे कंटिन्यू होते हैं। ये देखिए बकरी के छोटे छोटे बच्चे सब, ये भी चरने के लिए आए हुए हैं और इधर भी, और ये क्या है इधर भी देख ही लेते हैं। ओ भाई यहीं से पानी आ रहा था ना, हमने तो नोटिस भी नहीं किया। वाह यहीं से पानी, क्या नाम है भाई इसका, ये नदी का? कौन डैम? चक डैम। चक डैम, वाह नाइस नेम। तो गाइस इस डैम का नाम है चक डैम और इसी का पानी उधर से होकर के बह रहा था जिधर से हम साइकिल लेकर के आए थे। वहाँ पे साइकिल जा पाएगा क्या उधर? चला जाएगा ना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस जगह पे, सुंदर डैम का याद दिला दिया। सुंदर डैम में भी इसी प्रकार था पूरे, और पानी जाने के लिए इधर था, बल्कि सुंदर डैम में बहुत ज़्यादा नीचे है। चलिए इधर का तो पानी सूख गया है बट इधर का पानी बहुत ज़्यादा है। तो अब चलते हैं हम पहाड़ की तरफ।
ये कौन सा रास्ता है। खैर रास्ता तो हमको यहाँ से दिख रहा है उधर जाने का, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है पहले इसको देख लेते हैं, ये जहाँ जाता है उसके बाद इधर आएंगे फिर वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, चारों तरफ जंगल, बीच में ये छोटा सा रास्ता जिधर से हम होके गुजर रहे हैं। ओह गजब टन, ओ भाई, अरे रे 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 रे, मजा आ गया ये मोड़ में हमको। हमने एक पैर को उठा दिया और साइकिल के हैंडल को थोड़ा सा नीचे झुकाया, आसानी से मुड़ गया। इधर देखिए, इधर भी पानी है हल्का फल्का थोड़ा बहुत, लेकिन पानी देखने में बड़ा क्लीन लग रहा है। हम तो जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा जंगल है, फर्स्ट टाइम हम इधर आए हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ एडवेंचर टाइप में आप लोगों को फिर से देखने को मिला। ओ भाई ये तो जाने का रास्ता है, इधर से लोग भी आ रहे हैं। ये कहाँ निकल जाएगा रास्ता अंकल, आपको कहाँ जाना है? हमको रोड में। कौन सा रोड, मतलब ये चलिए वापस कीजिए। वापस है, ये कहाँ जाएगा, ये चले जाएगा भैयार, भैयार जाएगा। तो गाइस ये वाला रास्ता तो फिलहाल आगे जाएगा, और आगे चल के बहुत दूर आगे जाके फिर रोड में वो मिलेगा, बट ये वाला रास्ता सटीक है पीछे, मतलब जो जिधर से हम आए हैं ना वो वाला रास्ता सही है रोड में निकलने के लिए। ये आगे जाकर जाइए रोड में और ये पहले आपको रोड में पहुँचा देगा। वैसे हम जा ठीक रहे तो वो उनसे पूछे, हम पता है मतलब इसे हम घूमे हैं, लेकिन ये रास्ता फर्स्ट टाइम था। खैर गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे प्रकार हमको अंकल जी समझा दिए, को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल चलते हैं आगे। चलिए हमने डैम को तो क्रॉस कर लिया है, उधर हर डैम, और इधर हम निकल गए हैं। तो पता करते हैं ये कौन सा जगह है, यहाँ पर तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। और ये रहा पहाड़, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हम। ओ भाई इसके पीछे और एक हमको नदी दिख रहा है, तो चलिए इधर भी चल के देखते हैं ये कौन सा नदी है। काफ़ी ज़्यादा पत्ता ही सिर्फ दिख रहा है, और ये वाले में ओहो ये तो कमल का फूल का पूरे ये तालाब है, एक दो पीछे तीन, और ये बड़ा वाला इसमें वाइट फूल है, और ये बड़ा वाला में रेड वाला दिख रहा है हमको। गजब, फिलहाल हम साइकिल को यहीं पे लगाते हैं और चल के देखते हैं। ये वाला छोटा हो गया पोखर, और ये वाला बड़ा। देखिए इधर में आप लोग को वाइट वाला दिख रहा होगा, और पीछे ये देखिए रेड वाले कमल, और पूरे में यही कमल ही दिख रहा है। और उसके पीछे भी और एक नदी है पहाड़ के पास बगल में, देखिए उधर है ना, उधर भी है। आगे रास्ता तो ब्लॉक है। फिलहाल हम एक कमल को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि नज़दीक से ही तोड़ना है, ज़्यादा दूर नहीं। चलिए हमको मिल जाइए पास में ही, ये रहा जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है। और देखिए इधर देखिए लाल वाले सब कितना ज़्यादा है कमल फूल, पूरे में ये पोखर में कमल का ही फीस गाँच है। और इधर आसपास में जिसको नज़दीक बैठाता होगा सब लोग तोड़ देते होंगे, और दूर सब में रह गया है। खैर चलिए हमको एगो मिल गया ना, और आगे चलते हैं, अब देखते हैं। वैसे हम फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए हुए हैं, आज मन किया घूमने के लिए, ये चलिए घूम लेते हैं कुछ न्यू जगह। तो साइकिल उठाया और हमने घर से निकल पड़ा, तो इसको फिलहाल हम अपने साइकिल में सजाते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमने सजा दिया, अब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो और आगे चलते हैं देखते हैं क्या है।
यहाँ पर से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी प्यास लग गया हमको। तेरी नल तो खराब है। काफी मीठा पानी लगा यहाँ का भी, पहाड़ की तरह पानी लगा। जैसे हम लोग नहाने के लिए पहाड़ पे पानी जाते हैं ना, जो घर में डेली यूज करते हैं पीने के लिए, सेम उसी तरह यहाँ का भी पानी लगा। ये जगह तो हमको देखा देखा सा लग रहा है। ओ वाव, तो गाइज हम पहुंच गए हैं बारकोप का दुर्गा मंदिर। इस जगह पर मेला लगता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ का भी हम ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर खोजिए बारकोप मेला का, मिल जाएगा। यही है गाइज बारकोप का दुर्गा मंदिर। तो चलते हैं अंदर, माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। जय माता रानी। यहीं पर मेला लगता है, तो चलिए दर्शन तो हो गया, अब घर निकलते हैं। अब घर जाने में मज़ा आ जाएगा क्योंकि हमारा रास्ता सफल हो गया। अब चलते हैं गाइस घर। हमने सोचा भी नहीं था कि आते वक्त हमको माता रानी का दर्शन होगा। वैसे हम आते वक्त हमने अपने वहाँ पे चौक के पास एक माता रानी का मंदिर है दुर्गा माँ का, वहाँ पे हमने माता रानी को कहा था। तो चलते हैं माता रानी, और कोई अच्छा सा आप हमको कंटेंट दिखाइएगा। तो माता रानी स्वयं आकर अपने कंटेंट हमारे कंटेंट में शामिल हुई, तो धन्यवाद माता रानी। तो रास्ता भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इधर से होकर के अब हम घर निकलते हैं, और इसी रास्ता में हमको माता योगिनी का भी दर्शन हो जाएगा। तो सोचिए आज का ब्लॉग कितना ज़्यादा अच्छा रहा, दो दो माता रानी का दर्शन हुआ हमको। जैसे फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले, वहाँ पर माता रानी को प्रणाम किया, और उसके बाद यहाँ पर बारकोप का माता रानी आप लोग को देखने को मिली, और यहाँ पर भी हमने आशीर्वाद लिया, और इसके बाद माता योगिनी का भी आशीर्वाद लेते हुए घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो गाइस हम योगिनी स्थान के रास्ते में प्रवेश कर गए हैं। इसी प्रकार सीधे चलेंगे तो योगिनी स्थान पहुँच जाएंगे, लेकिन हम इधर लेफ्ट चलते हैं। यहाँ पे ये शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर थोड़ा दूर बैठेंगे और आपसे कुछ बातचीत भी कर लेंगे, और भोलेनाथ का भी दर्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद घर की ओर निकलेंगे। तो वो देखिए माता योगिनी का वो सब पहाड़, और इधर हम चल रहे हैं शंकर भगवान के पहाड़ के पास। इस जगह का नाम मनोकामना मंदिर। और फिलहाल चल रहे हैं भोलेनाथ को वहाँ पर दर्शन करने के लिए, सीढ़ी का चढ़ाई कर रहे हैं फटाफट। ये रहे हमारे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो गाइस भोलेनाथ का तो दर्शन कर लिए, और देखिए अभी का सीन, पूरे सीन तो नीचे के दिख रहा है आप लोग को घर, और उधर हमारा कॉलेज हो गया, और चारों तरफ धुंध धुंध टाइप में पता नहीं क्यों दिख रहा है, लगता है कुहेसा अभी तक ले आए कि क्या, पूरे धुआं धुआं दिख रहा है। तो अब निकलते हैं घर। वैसे पसीना बहुत हो गया है, तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठ लेते हैं, क्योंकि हम साइकिल से डायरेक्ट पूरे दूर तक ट्रेवल हम किए, कहीं रुके नहीं, और साइकिल भी नीचे लगा और डायरेक्ट हम चढ़ते रहे, कहीं रुके नहीं। तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठ लेते हैं और रिलैक्स फील कर लेंगे, फिर इसके बाद घर जाएंगे। देखिए ना, ठंडा के दिन हमको पसीना हो रहा है, इतना ज़्यादा हम की साइकिल चला ली है। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये वाले पहाड़ है जिसको हम बता रहे थे योगिनी स्थान का पीछे, तो उधर देखिए वो वाला हुआ योगिनी स्थान, और ये रहा उसका पीछे पहाड़, और बगल में ये भोलेनाथ का पहाड़। तो इसी पे हम जाने के लिए बात किए थे उधर से, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हम उधर से निकले तो जाने का रास्ता सटीक दिखा भी नहीं, और हमारा साइकिल भी वहाँ पे जा नहीं सकता, मतलब ले जाके उठा के चढ़ाना जाना तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का टफ़ काम लग रहा था। तो हमने सोचा कि पहाड़ पे ना चढ़ के और भी घूम लेते, देखते वो रास्ता कहाँ तक जाता है। और वैसे रास्ता तो हमको पूरे निकल गए योगिनी स्थान के पास, नहीं निकलता तो हमको क्या होता कि फिर से रास्ता वापस जाना पड़ता, मतलब फिर से इतना उधर फिर से घूमते जहाँ से हमने साइकिल को निकाला था, फिर से वहाँ से निकल के फिर घर जाते। लेकिन सारा चीज़ चेंज हो गया, जिधर से आए थे वो भी रास्ता भी चेंज हो गया, और हम सोचे भी नहीं थे कि हम योगिनी स्थान के पास पहुँचे थे। बस हमने ऐसे ही सोचा आज चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता जाता है, कुछ न्यू रास्ता भी हमको पता चलेगा। वैसे रास्ता भी नया हमको पता चल गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा घूमकर, और महादेव को भी यहाँ पर दर्शन कर लिए और विश्राम भी कर लिए, अब अच्छा फील हो रहा है। तो अब निकलते हैं घर। ये रहा माता योगिनी का मंदिर। जय माँ योगिनी। तो गाइज अब चलते हैं घर की ओर। तो गाइज माता योगिनी का दर्शन करके भी हम निकल चुके हैं, अब घर की ओर चल रहे हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच गए।
फाइनली गाइस घर पहुंच गए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा घूमकर और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया है। तो गाइस चलते हैं सोने के लिए और गाइस इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।